दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप जानते ही हैं कि मैं वेस्टीज के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं। आज पहली बार मैंने सोचा कि मैं वेस्टीज से एक हटके वीडियो बना रहा हूं, बट हमारे वेस्टीज बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये वीडियो। अगर आप वेस्टीज को वाकई अपने एक बिजनेस के तौर पर इसको कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है, क्योंकि वेस्टीज जो बिजनेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसके अंदर बेसिकली हमें अच्छा दिखना हमारा बहुत मायने रखता है। जब भी हम किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, अपनी टाई, अपनी बेल्ट, अपने शूज़, एवरीथिंग, अपनी शर्ट, अपनी ट्राउजर, सब कुछ हम चेक करते हैं, प्रॉपर ढंग से जाते हैं, और आपकी जो एसेसरीज हैं उस टाइम पर बड़े मायने रखती है। क्योंकि हम अगर वहाँ पर कोशिश करें कि हम 3 रुपए का पेन लेके और वहाँ लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बात करें तो हमें शोभा नहीं देता। हमारा पेन, हमारी एसेसरीज, हमारा बैग बहुत कुछ मायने रखता है इसके अंदर। सो अब हम एक यहाँ से नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि हमें वेस्टीज बिजनेस के अंदर हमारी जो एसेसरीज है वो किस किस तरीके की होनी चाहिए। आज हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर इसमें रखा है कि हमारा जो बैग है वो बैग सबसे पहले जिस पर लोगों की निगाह पड़ती है, हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो दोस्तों। सो आज हमने एक बैग ऑर्डर किया हुआ है अमेजोन से, उस बैग को आज हम आपको दिखाएंगे खोल के। इसका पैकेट मैंने नहीं खोला है, ये बैग मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मेरे नाम से आया हुआ बैग है, आप इसको देख पा रहे हैं सही से, ये अमेजोन से आया हुआ है और बहुत ही अच्छी पैकेट मुझे लग रही है, कॉम्पैक्ट लग रहा है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। फिर इसके अंदर हम इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर रख सकते हैं आपको रख के दिखाएंगे कि ये रखने के बाद में आपका बैग कैसा लुक देगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हम। याद रहे दोस्तों, अमेजोन से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करते हैं और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो थोड़ा खोलते टाइम पे इसकी जो पैकेजिंग है थोड़ा ध्यान रखें कि रिटर्न करने के लिए आपको दिक्कत ना आए उस टाइम पे। वाह, ब्यूटीफुल। सो ये बैग निकला है दोस्तों, इसके अंदर एक और पैकेजिंग के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली दिखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। सो चलिए इस वाली पैकेजिंग को हटा देते हैं और अब इस वाली पैकेजिंग को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा बैग हमारा निकल रहा है इसके अंदर से। वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर आया है और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आ हा हा, क्या बात है। सो ये बैग है दोस्तों जो अभी ऐसी पैकेजिंग में है इस टाइम पर, बहुत अच्छा लग रहा है और इसको अभी ओपन करके देखते हैं कि कैसे कैसे अभी इसके टैक्स वगैरह अभी छुटाएंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, जिससे कहीं वापस करना पड़ा मुझे, कहीं समझ में नहीं आया अंदर की उसको ओपन करने के बाद में, तो क्या पता वापस करना पड़े। तो देखते हैं कैसा लगता है। कॉम्पैक्ट तो बहुत है, बहुत ही अच्छा। वाह, ये इसके हैंडल्स हो गए जिन हैंडल्स को हमने कैरी करना है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी क्राउन भी हो जाऊंगा और ऐसे बैग्स और ऐसे एक्सेसरीज अगर मैं मंगाता रहा। और आपके लिए बहुत अच्छा है बेसिकली अगर आप इसको परचेज करेंगे तो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो इसके अंदर अभी हमें जो निकला है इसके अंदर, ये दो चीज़ें इसके अंदर और निकली हैं, एक इसकी ये जो हम अपने कंधे पर लटकाएंगे उसके लिए हमें इन्होंने इसके अंदर डाल के भेजा हुआ है, और आई थिंक ये इसका प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन या वारंटी कार्ड है, वो वारंटी कार्ड भी है, 2 साल की वारंटी है इसके ऊपर आई थिंक, सो 2 ईयर्स वारंटी है। कवर्स के ऊपर 1 ईयर है, हब्स एंड केबल्स के ऊपर 6 मंथ्स की वारंटी है। सो ये कम्प्लीट बैग है जो मेरे पास 2 दिन के, मैंने इसको परसों ऑर्डर किया था और आज मेरे पास आ गया है और मुझे इसकी इनकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी पसंद आई है। सो अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और अब हम देखेंगे इसके अंदर कि और हमारी जो जिप्स हैं, एक इसकी ये जिप है इसके अंदर हम रख सकते हैं काफ़ी कुछ, और ये इसलिए है जब आप कभी ट्रॉली बैग को कैरी कर रहे हो तो ट्रॉली बैग के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रॉली बैग के साथ भी आप इसको लगा के देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना काफ़ी कुछ, अपनी कैटलॉग्स वगैरह, अपने बाकी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हो जो कि काफ़ी आपके लिए ज़रूरी होती है रखना। और बीच में हमारे लिए इन्होंने की पैडिंग प्रोवाइड की थी जो हमें निकाल देनी चाहिए इसके अंदर से। अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है दोस्तों, आप अंदर की सॉफ्टनेस देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बेसिकली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अंदर की जो सॉफ्टनेस है। आपका लैपटॉप या जो भी कुछ आप इसके अंदर रखेंगे उस पर कोई भी स्क्रैचेस नाम की चीज़ कभी आ ही नहीं सकती इसके अंदर। सो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि मेरा लैपटॉप रखने के बाद में ये बैग कैसे मुझे लग रहा है, और बाकी इसको पहले एक बार लगा लेता हूँ मैं और देखते हैं कि इसके बाद में ये
कैसा लुक देता है, क्योंकि हमने लुक के लिए इतना पैसा खर्च किया है तो लुक तो आना चाहिए दोस्तों इसके अंदर। बहुत अच्छा। इसको मैं यहाँ से एडजस्टेबल भी, ये एडजस्टेबल मोड में है तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लटका सकता हूँ। इसके लिए अपने कंधे पे अगर मैं चाहूँ इसको तो मैं ऐसे लटका सकता हूँ और आप देखिए कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। और मैं इसको इस तरह से भी लटका सकता हूँ, इधर से भी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब देखते हैं इसके अंदर जो बाकी जिप्स इन्होंने दी हुई हैं वो कैसी हैं इसकी। इस तरह आप अपना पावर बैंक रख सकते हो, मैं रखता ही जाता हूँ एक एक करके। इधर मैंने अपना पावर बैंक रख लिया इसके अंदर, ठीक है। और इधर मैंने इसके अंदर अपना कोई कैटलॉग्स हैं मैं उनको रख सकता हूँ, मैं अपना वॉलेट रख सकता हूँ इधर, यहाँ पर अपना वॉलेट है अगर मेरे पास, हाँ ऑब्वियसली मेरे पास है मेरा वॉलेट, तो मैं इधर कुछ कैटलॉग्स रख लेता हूँ और अपना जो नोटपैड है मैं वो रख लेता हूँ। ये मेरे पास मिस्टल ऑफ मिलान की कैटलॉग हो गई, एग्री की कैटलॉग हो गई, आज मैं एक मीटिंग में जा ही रहा हूँ अभी यहाँ से मेरठ के लिए, तो ये चीज़ें हो गई इसके अंदर। मैं देखता हूँ कि ये वाली जो मेरी आ पाएगा इसके अंदर पैड, नहीं आ पाएगा, नो आई डोंट थिंक कि ये इसके अंदर आ पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए दूसरी साइड में रख देता हूँ जहाँ पर कि मेरे पास रखने की जगह है अभी अवेलेबल। यहाँ तो नहीं आएगा बट ये है कि अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। सो अंदर मैंने इसके अंदर एक ये रख लिया, बेस्टीज का स्टार्टर पैक रख दिया इसके अंदर, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके अपनी जगह शेप जो इसकी होनी चाहिए। एक हमने इस ये रख लिया अपना शार्प का जो एयर प्यूरीफायर है उसका हमने एक ब्रशर रख दिया इसके अंदर, फ्लायर। और उसके बाद मैं इसमें रख लेता हूँ इसको लीडिंग लेडीज़ बुक को, और उसको रखने के बाद में मैं देखूँगा कि इसकी जिप लगने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप तो इसके अंदर भर नहीं पाएंगे वरना इसकी शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। सो मैं इसको रख सकता हूँ या फिर वेस्टीज का जो स्टार्टर पैक है मैं उसको रख सकता हूँ। तो मुझे लगता है स्टार्टर पैक ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा इसके अंदर रखना। आप चाहें तो कार बुक भी इसके अंदर रख सकते हैं, आप चाहें तो लैपटॉप भी इसके अंदर रख सकते हैं, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों इसकी, ठीक है। सो ये पैक मेरा बन के तैयार हो चुका है। मैं इसके अंदर और भी अगर कुछ सामान अपना रखना चाहता हूँ तो मैं सारा का सारा सामान इसके अंदर अपना रख सकता हूँ। और ये मुझे कंप्लीट लग रहा है एकदम से, और हाथ में पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर अपने LRG9 या फिर और भी कोई मेरे पास एक्सट्रैक्ट F या एक्सट्रैक्ट V है, मैं उसको भी इसके अंदर रख सकता हूँ दोस्तों। सो ये एक मेरा बिजनेस बैग है जो आज से मेरे बिजनेस के अंदर काम में आएगा और लगातार मैं अब इसी को इस्तेमाल करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस बैग को परचेज करना तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक छोड़ा हुआ है, और मेरे लिए एक्चुअली थैंक यू होगा आपकी तरफ से कि अगर आप उस लिंक के थ्रू जाके अमेजोन पर अपना नया अकाउंट क्रिएट करके अगर आप बैग को परचेज करते हैं तो मेरे लिए आपकी तरफ से एक थैंक यू आ जाएगा, आप अगर मुझे थैंक यू देना चाहते हैं तो। सो आप अपने वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरा जो पहला रिव्यू है इस प्रोडक्ट का वो आपको कैसा लगा, क्या मैं आगे इस रिव्यू को कंटिन्यू कर सकता हूँ, कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या एक्सेसरीज में इस्तेमाल करता हूँ और कैसे कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट में लेकर आने वाला हूँ। अभी मेरा जो स्टूडियो है इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैं रिव्यू करने का प्लान बना रहा हूँ, जिनसे कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प मिल सके दोस्तों। जिस पर ये मेरा मोबाइल, जो मेरा स्टैंड है इसकी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, मेरा जो कैमरा है उसका रिव्यू करने वाला हूँ, जो लाइट आप देख रहे हैं मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बैकड्रॉप है उसका रिव्यू करने वाला हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आके, क्या मुझे बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्या क्या एक्सेसरीज में अमेजोन से मंगाता रहता हूँ। अगर आप हाँ कहेंगे तो जरूर मैं आपको उसके रिव्यू करूंगा। थैंक यू सो मच, और आपका थैंक यू मुझे जरूर चाहिए। अगर आप मुझे थैंक यू देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक लीजिए और अपने लिए इस बिजनेस प्रोफेशनल बैग को जरूर परचेज करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।